अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे और डाल्टन थ्योरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है और उसकी जो आगे ऑब्जर्वेशंस है आज उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या है। इंट्रो में देखते हैं क्या चीज़ आती है हमारे पास। इंट्रो में सबसे पहले जो है वो है एटम वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो लातिनी जुबान का वर्ड है एटमस, और उसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे एक ये डॉट है ना, ये इतना छोटा होना चाहिए कि इसको मजीद तोड़ा ना जा सके, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं जी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो अब देखिए जरा जी, हमारे पास जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जो है वो एटम के थ्योरी पेश की थी। सबसे पहले जो था जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, और उसने जो है क्या बताया, उसने कहा था कि तमाम के तमाम जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, तमाम के तमाम मैटर जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम के तमाम मैटर हैं वो सारे के सारे स्मॉल इंडिविजिबल इंडिविजिबल, ये बात उसने जो बताई थी ना वो गलत प्रूफ हो गई थी बाद में। तो इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, कि वो ये कह रहा है कि एटम को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये उसकी जॉन डाल्टन क्या जो बेस थी उसके थ्योरी की। अब उस थ्योरी के पासुलेट क्या थे वो भी देख लेते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है। सो कहता था कि पासुलेट जो थे उसके कहते हैं एटम इज कंसिडर्ड हार्ड डेंस एंड स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, कि एटम जो है बहुत ही छोटा सख्त जो है वो है, स्मॉलेस्ट है वो पार्टिकल है जो कि इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल वाला पार्टिकल, इंडिविजिबल बार बार वही बात कर रहा हूँ, इंडिविजिबल ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता, ये उसकी जो बात थी गलत प्रूफ हुई थी। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक काइंड ऑफ एटम एंड हैव आइडेंटिकल मास, ये बात तो आप लोगों को पता है, एलिमेंट के टॉपिक में आप लोग पढ़ गए हैं पहले चैप्टर में, कि एलिमेंट का एक टुकड़ा ले उसमें सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होगा, तो जाहिर सी बात उनकी मास भी एक जैसी होगी, तो ये पॉइंट तो उसका ठीक था। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि किसी में अगर एटम डिफरेंट है, मिसाल के तौर पे इसमें एटम और है इसमें डिफरेंट एटम है, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज और होंगी इसकी प्रॉपर्टीज और होंगी, दोनों में दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होंगी। जब एटम डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो लास्ट वाला कहते हैं कि कंपाउंड ले लें कोई भी, कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन फिक्स रेशियो, कि कोई भी डिफरेंट एलिमेंट है उनको कंबाइन करें फिक्स रेशियो के साथ, वो क्या बनते हैं, वो कंपाउंड बना रहते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, होल नंबर होना चाहिए उनकी रेशियो के लिए। तो ये बात भी ठीक थी कि दो डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन हो सकते हैं और कंपाउंड बन सकता है। अब इसकी लिमिटेशन भी थी, तो ये जो है आप लोगों ने डाल्टन थ्योरी जो है वो छोटी सी है, उसके और भी दो तीन पॉइंट थे पर मैंने लिखे नहीं, मैंने जस्ट आप लोग जो है आप लोगों की बुक में तो दो तीन ही पॉइंट लिखी बातें लिखी थी मैंने, तो उससे भी ज़्यादा लिख दी है। तो लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, जो लिमिटेशन है इसकी, खामियां जो थी उस थ्योरी की वो क्या थी, सबसे पहले उसने जो बात बताई थी कि एटम जो है वो इज नॉट सब डिवाइडेड, उसने जो बात बताई थी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन डिवाइड हुआ, प्रोटोन उसमें से निकला, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, उसमें से न्यूट्रॉन निकला, तो उसकी बात गलत साबित हो गई। उसने जो है उस टाइम जो है आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप डिस्कवर हो चुके थे लेकिन उसने आइसोटोप के बारे में नहीं बताया था, आइसोबार के बारे में नहीं बताया था। इस चैप्टर के अंदर आप लोग इन दोनों इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, आइसोटोप सेम अटोमिक नंबर, इसमें क्या होता है सेम अटोमिक मास, ये दोनों चीज़ें जो है वो आगे हायर क्लास में यूज होती है। तो ये है जी नेक्स्ट हमारा जो आज का मेन, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़े आराम से समझना है इसको, कोशिश करनी है इसको, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आप लोगों के पास सामने एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये थे जे जे थॉमसन साहब और ये थे विलियम क्रॉक साहब, इन्होंने जो उन्होंने क्या किया था इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी की थी, उन्होंने क्या किया एक एक्सपेरिमेंट किया 1895 के अंदर। ठीक है, दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या किया जरा देखते हैं, जरा हमारे पास क्या है जी एक्सपेरिमेंट। जी ये डायग्राम है, मैं इसको जरा एक दफा पहले, सबसे पहले इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि बहुत ही आज से 400 साल पहले कह लें, बहुत ही जो आज से 400 साल से भी ज़्यादा टाइम हो सकता है कि पुराने एंशियंट टाइम में के
एक दफा हुआ क्या कि बिजली कड़की, जिस तरह जो है आज भी वैसे बारिश हुई है, बिजली कड़की है। तो बिजली जब कड़की ना, तो उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, उन्होंने कहा है कि ये जो लाइट आ रही है इसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो उस लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास शीशे की ट्यूब ली, शीशे की एक ट्यूब ले ली, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है ये कहाँ से आ रही है, लाइट जो है ऊपर से आ रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो खला है, खला में जो है वो क्या है, हवा नहीं है, वहां पे क्या है, वैक्यूम है। तो उसने भी सही बात को प्रूव करने के लिए, वही बात को साथ लेते हुए उसने क्या किया, उसने जो जो ग्लास ट्यूब ली थी शीशे की, उसको उसने वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब उसमें जो हवा थी उसको सारी के सारी बाहर निकाल दिया। उसने किस चीज से अंदाजा लगाया, उसने बिजली कड़की, उसने क्या किया, उसने कहा कि लाइट जो आ रही है, इस लाइट ये कहाँ से आ रही है। तो ये जो लाइट थी ऊपर से आ रही थी, ऊपर जो है वो खुला है, वहां पे वैक्यूम है। तो उसने वही दोनों चीजें कर दी। उस टाइम जो फ्राइडे ने जो डीसी बैटरी थी उसको भी डिस्कवर कर लिया था, और उसने जो है क्या किया, दोनों साइडों पर डीसी बैटरी लगा दी, एक एनोड एक कैथोड लगा दिया। डायग्राम के मुताबिक चले तो यहाँ पे हम कैथोड है ये वाला, और ये एनोड है, और उनको जो है एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, एक हाई वोल्टेज बैटरी जो थी उसके साथ जोड़ दिया गया, और उसको जो है 1000 केल्विन वोल्ट, सच केल्विन कह रहा हूँ, 1000 वोल्ट बैटरी उसने लगाई, 1000 वोल्ट बैटरी लगाई। और जो उसमें उसके अंदर जो प्रेशर था वो बहुत थोड़ा रखा था। प्रेशर कम रखने की वजह क्या थी कि जो भी चीज़ लाइट यहाँ से गुजरेगी वो अगर प्रेशर कम होगा तो हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। और उसमें जो है उसने क्या किया, उसने इनर्ट गैसेस यूज़ की, इनर्ट गैसेस, क्योंकि जैसे जैसे हम जो एनवायरनमेंट है, जो क्या नाम है, ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, तो हमारे पास क्या होता है, गैसेस होती है, वो इनर्ट गैसेस होती है, हायर ऊपर जाते हैं। तो वही सेम प्रोसेस उसने सारे का सारा यूज़ किया। उसने क्या लिया, उसने सबसे पहले ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, उसमें दो मेटेलिक रोड लगा दिए जो कि कनेक्टेड थे, एक हाई वोल्टेज बैटरी थी जो कि 1000 वोल्ट बैटरी थी, और उसने प्रेशर जो था वो ये रखा था, प्रेशर वाला एमसीक्यूज आ जाता है देखने इसको। और जब हाई वोल्टेज उसमें से उसने बैटरी को जैसे ही ऑन किया, ये वाले डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, जैसे ही बैटरी को ऑन किया, ये जो बैटरी थी इस बैटरी को ऑन किया, जब जैसे ही ऑन किया तो होता क्या है कि ये जो कैथोड है ना, कैथोड में से जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, रेज निकलना शुरू हो जाती है, श्वाएं जिसे उर्दू में कहते हैं, रेज यहां से निकलना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो रेज निकल रही होती है वो क्या कर रही होती है, इस तरह ट्रेवल कर रही होती है सीधी। तो ये जो रेज सीधी ट्रेवल कर रही होती है वो इन रेज को जो है उसने इस इन रेज जब ये निकली उसको पता चल गया यहाँ पे लाइट जो है वो शाइन शाइन होना शुरू हो गई, लाइट जो है वो यहाँ पे चमकना शुरू हो गई। अब वो बड़ा खुश हुआ कि ये जो है लाइट जो है हमारे पास, जो जिस तरह आसमान पे लाइट है इसी तरह मैंने भी इसको प्रूफ कर लिया, मैंने भी इसको जो है वो देख लिया। अब उसकी इंटरेस्टिंग जो थी, वो दिलचस्पी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। अब जब वो लाइट्स जो है रेडिएशन जो थी वो यहाँ पे क्या हो गई, बन गई, तो अब उसने क्या किया, उसने उन रेडिएशन को जो है ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरह हुई, अब ये आगे बात करते हैं। तो ये वाली जो पीछे रह गई ये वाली बात हम मजीद आगे करते हैं, देखते हैं जी, मेरा ख्याल है एक एक करके देखते हैं जरा सारे। तो सबसे पहले जो था वो ये जो है आप लोगों के पास, मैं जरा इसको दोबारा से बना देता हूँ ताकि आप लोग इसको जरा देख लेते हैं। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, रेडिएशन जो है वो यहाँ से इस साइड पे जा रही है, ठीक है, वहाँ वैक्यूम है और यहाँ पे इनर्ट गैसेस भी ऐड की है। तो कहता है सबसे पहले उसने देखा कि रेडिएशन जो थी वो क्या थी, उसने सबसे पहले देखा कि रेडिएशन जो है वो सीधी ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सीधी, ये कैथोड है ना, और ये इस इधर जा रही है रेडिएशन, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 का बन रहा है, जरा देख लें एंगल जो बन रहा है, देखें ये एनोड है, एनोड है, और ये रेडिएशन इस तरह जा रही है सीधी, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 का, मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर होंगी वो क्या होंगी, वो कैथोड्स के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होंगी। तो ये पहला पॉइंट था उसने जो ऑब्जर्व किया था उसमें से। सेकंड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया, कहता है कि जो उसके जो कोई भी चीज जो है गैर शफाफ, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि गैर शफाफ, जिसमें से लाइट पास ना हो सके। अब उसने क्या किया, उसने उस एक ऑब्जेक्ट जो था गैर शफाफ जो बॉडी थी उसको उसने उसके सामने रखा रेडिएशन के, ठीक है, रेडिएशन के सामने जैसे ही रखा तो उसका यहाँ पे शेडो बन गया, नीचे यहाँ पे क्या बन गया, उसका शेडो बन गया। तो ये जो थी
इससे जो है क्या उसे अंदाजा हुआ कि ये जो है ये रेज नहीं है बल्कि क्या है कुछ सम पार्टिकल्स है। इससे ये भी अंदाजा हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट से इससे मजीद अंदाजा होगा कि ये वेव्स नहीं है, ये क्या है पार्टिकल्स है। दोबारा से ये पॉइंट देख लें, जैसे उसने क्या किया, इन रेडिएशन के सामने कोई गैर शफाफ बॉडी रखी, तो वो बॉडी जो है जब रेडिएशन उसके ऊपर पड़ी तो नीचे जो है उसका शेडो बन गया। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या किया, ये सारी ऑब्जर्वेशन है उसकी जी। नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया दोनों साइडों पे, ये हम इस तरह ये पॉजिटिव रख दिया और ये नेगेटिव रख दिया। तो जैसे ही रेडिएशन यहां से पास हुई, ठीक है, तो वो क्या हुई, वो रेडिएशन जो थी वो सारी की सारी डाइवर्ट हो गई थी इधर। पॉजिटिव पार्ट हमने क्या किया, डिफ्लेक्टेड टू, ये देखें, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई शो नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों पे हमने रखे उसके, तो हुआ क्या कि वो जो रेस सीधी गुजर रही थी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव की तरफ क्या होगी, डाइवर्ट होगी, डिफ्लेक्ट हो गई। जब वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो हमें इस चीज से अंदाजा हो गया कि इन रेडिएशन के ऊपर जो चार्ज होगा वो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज होगा। जब वो चार्ज नेगेटिव होगा तो उसने क्या कहा कि ये जो रेडिएशन है वो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और पीछे जो बात रह गई थी वो क्या थी कि चूंकि ये रेडिएशन जो है वो रेज जो है वो कैथोड से निकली है, हम इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे क्या नाम है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कहते हैं कि कोई भी बॉडी इसके सामने रख दें, जिस तरह सूरज के सामने इंसान खुद बैठ जाए तो हमारा थोड़ी देर के बाद हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो इसी तरह कहता है अगर इसके सामने कोई चीज रख दी जाए तो इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो वो बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर रेडिएशन गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जे.जे. थॉमसन ने ये भी किया, उसने जो है ई बाय एम वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली, ई बाय चार्ज टू मास रेशियो जो है वो भी फाइंड आउट की, वो जो थी वो ये वाली थी और ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट थी। आप लोगों ने ये नहीं पढ़ी, ये फर्स्ट ईयर में 5वें चैप्टर में मिलिकॉन अल्ट्रा मेथड में इसको जो है वो फाइंड आउट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन रेज हिट वॉल ऑफ डिसऑर्डर। आप लोगों ने पॉइंट देखा है कि जैसे रेडिएशन सीधी पास होती है तो गुजर कर वो सामने वाली सरफेस के साथ टकरा जाती है और वो वहां पे लाइट प्रोड्यूस करती है, तो ये वे भी उसने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट है जी, सेम टाइप ऑफ रेज इमिटेड नो मैटर। अब यहाँ पे और प्रोटॉन में, प्रोटॉन की डिस्कवरी में और इसमें, दोनों में फर्क इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें कोई भी गैस यूज करें, कोई भी कैथोड यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये रेडिएशन के ऊपर, ये बात याद रखें। कोई भी गैस यूज करें, कोई भी कैथोड, किसी चीज का भी बना हो कैथोड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेस के ऊपर, रेडिएशन के ऊपर, लेकिन प्रोटॉन वाले डिस्कवरी में फर्क पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट, कैथोड रेज जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करती दोनों के ऊपर, ना ही गैस के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही कैथोड जिस चीज का बना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट पे जी, अब इस चीज से हमें अंदाजा होता है कि ये जो होती है, व्हेन वी पुट एक ऑब्जेक्ट देन गेट शेडो, इट मीन दे आर फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल्स। मैंने ऊपर भी बताया आप लोगों को, जब उसका शेडो बनेगा हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि वो जो है वो क्या है, वो पार्टिकल्स है। और दूसरे नंबर इससे भी अंदाजा हो जाएगा जब वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो रेडिएशन वेव तो अट्रैक्ट नहीं होती ना, तो पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन मटेरियल पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। और मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है ये वाला। तो मैंने कोशिश की है इसको समझने की, समझाने की। ये था आप लोगों का छोटा लेवल, जैसे आप लोग हायर लेवल पर जाएंगे फर्स्ट ईयर में जो है वो इसको भी बहुत ही डिटेल के साथ इसकी एप्लीकेशन जो है बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से समझ ले, यही आप लोगों के लिए काफी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सारे का सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे जो जहाँ पे आप लोगों ने कैथोड यूज किया था, यहाँ पे कैथोड जो है वो परफोरेटेड कैथोड है, सुराखदार कैथोड यूज कर लिया है। होता क्या है, जब सुराखदार कैथोड यूज करते हैं ना, तो जब वो कैथोड में से रेडिएशन निकलती है वो इस साइड पर मूव करती है नेगेटिव चार्ज वाली, ठीक है,
और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज वाली रेडिएशन जो होती है, ये मैं आपको बताता हूँ सीधा। उसके बाद इसमें जो गैस यूज की जाती है, मिसाल के तौर पे आर्गोन गैस यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आर्गोन के यहाँ पे एटम मौजूद होंगे, आर्गोन के इस गैस के यहाँ पे एटम मौजूद होंगे। एटम क्या करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये वाले पीछे इलेक्ट्रॉन जो क्या नाम है, कैथोड से आ रहे हैं, मिस्टेक हो गई, ये नोड है नहीं, ये उसने साइन साइन गलत लगे हुए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन मिस्टेक है जी, कैथोड होता है जी, परफोरेटेड कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए कैथोड जो है क्या होगा, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलेंगे, और वो क्या करेंगे कि इस एटम है आर्गोन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो आप पीछे से जो कैथोड में से आ रहे हैं वो ये वाले हैं, और ये क्या करते हैं, और आते हैं और क्या करते हैं, एटम जो है आर्गोन का जो गैस यूज की हुई है उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है। आर्गोन के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसके। देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और इस जो होल होंगे इसमें से पास होके यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कहता है गोल्ड स्टेन जो था 1886 के अंदर जो है, उसने क्या किया, उसने कहा कि कैथोड के अलावा भी इसमें रेज मौजूद हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कि ट्रेवल करती हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो है ये पास होती है इस परफोरेटेड होल में से, कैथोड में से। और ये जो है, जिस तरह एक नहर होती है ना, नहर बड़ी नहर से छोटी नहरें जो है वो जा रही होती हैं, केनाल होती है वो, उसी तरह वो कहता है ये रेज होती है, वो केनाल रेज होती है, क्योंकि ये होल में से एक पूरा एक समंदर आ रहा होता है पॉजिटिव रेज का, और वो जो है इन होल में से पास होके इस ग्लो को जो है वो ग्लो करता है, जैसे इसकी जो है वो क्या नाम है, डिस्चार्ज ट्यूब को। तो ये था इसके एक्सपेरिमेंट, इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, बड़ी आसान सी ऑब्जर्वेशन है इसकी भी। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले कहता है कि ट्रेवल इन स्ट्रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, के जो है ये रेडिएशन जो होंगी वो क्या होंगी, वो स्ट्रेट मूव करेंगी, स्ट्रेट ही जा रही है ना, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले जो कैथोड थी वो इस साइड में जा रही थी, लेकिन क्या नाम है, पॉजिटिव रेज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, हम इसके दोनों साइडों पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा के देख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर जो है हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं जी, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये दोनों जो हमारे पास क्या होगा इस तरह, तो ये रेज जो है जब यहाँ से पास होंगी तो वो इधर साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जब वो डिफ्लेक्ट होंगी तो हमें अंदाजा हो जाएगा तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये भी आप लोगों का एक ऑब्जर्वेशन उसने जो की थी। कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब, मैंने अभी पीछे बात बताई कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास कैथोड ट्यूब होगी, क्या नाम है, कैथोड रे ट्यूब होगी, उसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो कैथोड रे होगी ट्यूब जो होगी उस, वो जो है वो गैस और कैथोड रे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन ये डिपेंड करेगी प्रोटॉन की डिस्कवरी में। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो किसकी बनी हुई है, क्या नाम है, गैस, गैस डिपेंड करेगी, मिस्टेक होगी, गैस डिपेंड करेगी, ठीक है। कौन सी गैस यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो रेस प्रोड्यूस होंगी। इसके ऑब्जर्वेशन और भी हैं, वो कहता है कि दिस रेज आर नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, एनोड से रेडिएशन नहीं आ रही होती, मैंने आप लोगों को बता दिया। ये बेसिकली क्या हो रही होती है कि एक रेज होती है वो कोलाइड कर रही होती है जो उसमें गैस यूज की गई होती है, जैसा कि कोई भी गैस है ना, ठीक है, गैस क्या करेगी, गैस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरह स्ट्राइक करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन निकाल देगा लास्ट शेल में से, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेपरेट हो जाएंगे, और जो जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मैस ऑफ दिस पार्टिकल वर फाउंड इक्वल टू डैट ऑफ प्रोटोन आर सिंपल मल्टीपल, ये जो मैस हासिल होती है प्रोटोन की मैस होती है वो क्या होती है जी, डिफरेंट दूसरे जो पार्टिकल उनकी मैस के बराबर होती है, और मैस ऑफ प्रोटोन जो होती है वो क्या होती है, वो 1840 टाइम जो होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की मैस से। ये बात आप लोगों ने बहुत ही, आप लोगों ने इसको ध्यान से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताएगी है जी हमारे पास क्या है, चले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटोन,
पॉजिटिव जो है, जैसा कि ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो हमारे पास जो है वो इसको पॉजिटिव गैस होती है प्रोड्यूस होती है, जो कि लाइटेस्ट है, बहुत ही हल्की गैस होती है। ये तमाम जो तीनों जो थे, जे जे थॉमसन, उसके बाद था गोल्ड स्मिथ, जी गोल्ड स्मिथ और जेम्स चैडविक है, ये तीनों जो थे, इसने इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, ये तीनों जो है एक दूसरे के टीचर स्टूडेंट थे, ये टीचर था, ये स्टूडेंट था, ये टीचर था, ये स्टूडेंट था, इन तीनों ने जो है ये काम किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और तीनों ने जो है वो नोबेल प्राइज भी इन तीनों को मिला था। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कि सबसे पहले देखें, ये जो है जेम्स चैडविक जो था, वो इसका मकसद नहीं था कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना है, ये इसकी वर्किंग थी, अल्फा पार्टिकल के ऊपर ये काम कर रहा था। अल्फा पार्टिकल को उसने क्या किया, ब्रिलियम की एक मेटल जो थी, ब्रिलियम की जो है मेटल प्लेट के ऊपर, मेटल प्लेट है ये, ठीक है, उसने अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर बम्बार्ड करवाया, ठीक है। तो बम्बार्ड जब करवाया तो जो कुछ ऐसे पार्टिकल जो थे वो सीधे पास कर रहे थे, ना वो जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, ना वो नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। तो फिर उसने वहां से अंदाजा लगाया कि इनके ऊपर जो है वो चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ये कौन से पार्टिकल होंगे, ये न्यूट्रॉन्स होंगे, ये आप लोग, ये क्या होंगे, ये न्यूट्रॉन्स होंगे। जस्ट आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, चैडविक डिस्कवर्ड एवेंचुअली का मतलब क्या है, कि अचानक से उसको मकसद नहीं था कि उसको जो है वो डिस्कवर करे। तो न्यूट्रॉन व्हेन ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन ब्रिलियम टारगेट ही ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है किसी भी चीज में से ये रेडिएशन पास कर जाती है, बहुत हाईली लेवल पे पास कर जाती है। मैस ऑफ दीज पार्टिकल नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मैस होती है वो दोनों की बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की मैस जो होती है बहुत ही कम होती है, 1840 गुना कम होती है इन दोनों से। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। तो ये आज का, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जो है अल्फा क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी। अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ झिझक आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और